क्या अब राघव चड्ढा होंगे गिरफ्तार? राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की क्यों लगाई जा रही हैं अटकलें? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं और केजरीवाल की रिहाई को लेकर इस वक्त आपके कई मंत्री मैदान में हैं, सड़कों तक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आखिर आप सांसद राघव चड्ढा कहां हैं? क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में ऐसी बात भी सामने आ रही है कि राघव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि वो विदेश में हैं। ऐसे में आज इन सब बातों का सच शेष भारत आपको बताने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। अरविंद केजरीवाल को हाल ही में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े केस में हुई। गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। वहीं मीडिया के सामने पार्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात रखने के लिए आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक, गोपाल राय सहित अन्य नेता मोर्चा संभालते दिख रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अब सामने हैं। इन सब के बीच अक्सर सीएम केजरीवाल के साथ दिखने वाले पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा कहीं गायब से हो गए हैं। अब आम आदमी पार्टी पर आए इस बड़े संकट के दौर में उनका राजधानी दिल्ली में ना होना लोगों के मन में कई संदेह पैदा कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि राघव आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में हैं, लेकिन फिलहाल इस पर राघव चड्ढा की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। वहीं आम आदमी पार्टी का मुखर चेहरा माने जाने वाले राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के इतने नजदीक होने और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जितने अहम मौके पर राघव चड्ढा आखिर कहां है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले दिन एक अखबार में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है, जिसके मुताबिक राघव चड्ढा 8 मार्च से लंदन में हैं। राघव चड्ढा ने 9 मार्च को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लंदन इंडियन फोरम में भाषण भी दिया था। इसकी जानकारी राघव चड्ढा ने खुद ट्वीट करके दी थी। खैर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले दिन वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि गिरफ्तार होने वालों में अब अगला नंबर राघव चड्ढा का है। कपिल सिब्बल ने कहा कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, अब अगला राघव चड्ढा होंगे। इसके बाद और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो इस देश के चुनाव में मुख्य खिलाड़ी हैं। इसलिए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि पार्टी पर संकट के इस समय में राघव चड्ढा दूरी बरत रहे हैं। इसकी कुछ ना कुछ वजह तो जरूर होगी। कुछ यूजर्स उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी लगा रहे हैं। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये तो आगे आने वाले वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल तो राघव चड्ढा दिल्ली में नहीं है, लेकिन बीते दिन से केजरीवाल के घर ईडी पहुंचने के बाद से ही राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर सक्रिय जरूर थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा ने लिखा, भारत में अघोषित आपातकाल है। अरविंद केजरीवाल दूसरे ऐसे सीएम हैं जिन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया। हम किस ओर बढ़ रहे हैं, भारत में एजेंसियों का इतना गलत इस्तेमाल कभी नहीं देखने को मिला है। वहीं इसके अगले ही दिन राघव चड्ढा ने एक वीडियो संदेश भी जारी कर अरविंद केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा, लंबे समय से आशंका जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आज वो सत्य साबित हो गया। लेकिन जिस तरीके से राघव सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि बीते दिनों कांग्रेस से बीजेपी में गए लुधियाना के सांसद रविंद्र सिंह बिट्टू भी सोशल मीडिया पर हर दिन कांग्रेस के समर्थन में पोस्ट लिखते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अचानक वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या राघव चड्ढा भी ऐसा कर सकते हैं? फिलहाल सवाल कई उठ रहे हैं जिसका जवाब राघव चड्ढा को देना चाहिए। खैर, वो इस सवाल का जवाब आगे आने वाले समय में देंगे या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अब आपको आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा की भूमिका भी बता देते हैं। दरअसल साल 2013 में जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अपने आखिरी दौर में था, तभी राघव चड्ढा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होती है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके भारत लौटे थे। तभी राघव चड्ढा का पार्टी में पहला असाइनमेंट दिल्ली जनलोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाले अधिवक्ता राहुल मेहरा को
असिस्ट करना होता था। उन्हें ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद राघव चड्ढा पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता बने और कुछ ही समय में राघव चड्ढा टेलीविजन पर आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा बन गए। राघव साल 2013 में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र बनाने वाली टीम के सदस्य भी रहे। कुछ समय के लिए वे पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बनाए गए। एक दशक पहले एक वॉलंटियर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की टीम में शामिल हुए राघव चड्ढा अब उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में से गिने जाते थे। साल 2019 में राघव चड्ढा दक्षिणी दिल्ली की संसदीय सीट पर चुनाव लड़े लेकिन असफल रहे। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से जीत दर्ज की। मार्च 2022 में राघव चड्ढा और चार अन्य लोगों को आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उस समय राघव चड्ढा 33 साल के थे और सबसे युवा सांसद बने। ये माना जाता है कि साल 2022 में पंजाब में मिली आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत में राघव चड्ढा ने अहम भूमिका निभाई। पंजाब की सफलता को देखते हुए ही पार्टी ने उन्हें 2022 के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी और सह प्रभारी बनाया। यानी राघव चड्ढा हमेशा से आपके भरोसेमंद रहे और अब ऐसे में सबसे भरोसेमंद आदमी ही आपकी मुसीबत में अगर साथ में नजर नहीं आएगा तो सवाल तो उठेंगे ही। खैर, ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शिष्ट भारत।